लेक्चर फोर में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट जॉब ऑप्शन वन। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइका जीपीएस के साथ फोर्थ लेक्चर, और आज हम जॉब क्रिएट करना सीखेंगे। लाइका का एक सिस्टम है कि ये हमेशा जॉब के थ्रू काम करता है। इसकी टोटल स्टेशन हो या जीपीएस, इसमें पहले जॉब क्रिएट करनी पड़ती है और उसके बाद उसमें डेटा डालते हैं और उसके बाद वो काम सेटिंग आउट या ऑब्जर्वेशन जो भी होती है वो इस तरह से वो इसका सिस्टम है। तो इसके लिए जॉब बनाने के दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका ये है कि यहाँ पर देखें, दूसरा जो इसका फोल्डर बना हुआ है, फर्स्ट ये सेटिंग का ही है, जो दूसरा है यहाँ पर है लिट टेप हेयर टू क्रिएट जॉब, एक ये तरीका है, और दूसरा यहाँ पर जॉब्स, ये जो कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले ये सिस्टम में जाते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि जॉब कैसे क्रिएट होती है। तो इसको क्लिक करने से ये एक पेज खुलता है, यहाँ पे आप अपना जॉब का नंबर लिखेंगे, नंबर 122, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ इसमें 11 KV, ये कीबोर्ड से जाके मैं लिख लेता हूँ 11 KV, या कुछ भी मैं यही लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये एक ऑप्शन है टू जॉब स्टोर टू इंटरनल मेमोरी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके पास इसका SD कार्ड है तो वो ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल मेमोरी में वो सेव होगा तो वो अच्छा है, अदरवाइज आप इसके इंटरनल मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं। तो बस यही है इसका ऑप्शन, जॉब क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जब तक आप स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जॉब क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया, तो ये हमारी जॉब, क्योंकि ये जॉब ऑलरेडी इस नाम से पड़ी हुई है तो मैं इसको 125 कर देता हूँ, और यहाँ से अब दोबारा स्टोर करूँगा तो ये मेरी जॉब स्टोर हो गई। तो इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक जॉब का ऑप्शन है और यहाँ इसमें जाएंगे और ये जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम उसी पेज, ये जो पेज खुलेगा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे जब ये न्यू में जाएंगे तब ये उसी पेज में लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यू में गए, ये अब सेम पेज में लेकर गया है, और यहाँ पे मैं 126 जॉब, और यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखूँ या नहीं भी लिखूँ तब भी इतना कुछ मैटर नहीं करता है, और ये जॉब क्रिएटर और ये इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ये स्टोर जो है वो भी सेम जगह पे हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें स्टोर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी ऑप्शन राइटिंग के ऑप्शन में है, तो हम जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन आ गया। तो अब हम जब इसको स्टोर करेंगे तो ये हमारी जॉब भी क्रिएट हो गई। तो ये दो ऑप्शन है, जो जिस तरह से इसके दो हमने दो तरीके से जॉब क्रिएट की। अब हम जब इसके ओके करेंगे तो ये हमें उसके अपने फ्रंट पेज में लेकर जाएगा। तो ये 125 और 126 जॉब है, यहाँ पे देखेंगे इसके हमने जो डिस्कस किए हैं वो दो ऑप्शन थे, टेप हेयर टू क्रिएट अ न्यू जॉब, और ये यहाँ पे एक जॉब का ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन है इसके जॉब क्रिएट करने के, और तीसरा ऑप्शन हम नेक्स्ट में देखेंगे इसको फिफ्थ लेक्चर में कि ये थर्ड ऑप्शन कौन सा है जॉब क्रिएट करने का। अगर इसी किसी जॉब का हमने नाम चेंज करना हो तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, कोई जॉब भी हम सिलेक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, और इसका मैंने अगर नाम कोई गलत रख दिया है तो यहाँ पे व्यू एंड एडिट प्रॉपर्टी में जाएंगे, और इसको हम ये उसी पेज में लेकर जाएगा। अब मैं इसको 127 कर देता हूँ और यहाँ से इसको स्टोर कर देता हूँ, तो ये हमारा रीनेम भी हो जाता है। तो ये मैंने 122 को 127 कर दिया, तो ये हमें फ्रंट पेज में लेकर जाएगा और अब वहाँ पे 127 जॉब नंबर शो करेगा। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो कौन सा है, और उसके बाद ये तीनों ऑप्शन हमारे कवर हो जाएंगे जॉब क्रिएट करने के। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।